उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस के कुख्यात लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। बदमाश कड़ा गैंग का सरगना व एक लाख का इनामी कुख्यात लुटेरा मोनू उर्फ मोइनुद्दीन मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें शहर की मुठभेड़ के दौरान जहां एक और पुलिस की गोली कुख्यात लुटेरे को पैर के और हाथ में लगी तो गोली वहीं बदमाश की जवाबी फायरिंग में बदमाश की गोली से हापुड़ SP दीपक भूकर व देहात कोतवाल विनोद कुमार पांडेय बाल बाल बचे। बदमाश की गोली SP व कोतवाल की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी जाकर अगर अधिकारियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट न पहनी होती तो अधिकारियों की जान जा सकती थी, जबकि एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया है। बदमाश पर दिल्ली सहित 4 जिलों से लूट के और घटनाओं के मामलों में फरार चल रहा था। कुख्यात बदमाश घटना को अंजाम दे गुड मॉर्निंग और नमस्ते बोलकर देता था। लुटेरे से 9 mm की पिस्टल और 46 कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना हापुड़ देहात के गांव असोडा के जंगल में हुई मुठभेड़ के द्वारा, जिसमें ततारपुर चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मैं भी वहां मौके पर मौजूद था। उसी टाइम पे एक ब्लैक पल्सर से एक व्यक्ति जिसने हेलमेट लगा रखा था वो पुलिस पार्टी पे फायर करके भागा। पुलिस के द्वारा उसको चेज किया गया और यहाँ असोडा के पास एक खेतों में जो अभियुक्त है उसको पुलिस के द्वारा घेरा गया। पुलिस पे उसने फायर किया, जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी अभियुक्त पे फायरिंग की गई और इसमें एक हमारा कांस्टेबल जो है वो घायल हुआ है जवाबी कार्रवाई में, और जो अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है और हाथ में गोली लगी है। इसकी जो पहचान है वो मोनू उर्फ मैनुद्दीन से हुई है और इसके ऊपर 1 लाख का इनाम था और लगभग ये 4 जिलों से वांछित चल रहा था और इसके ऊपर जो मुकदमे हैं वो 30 के आसपास इस पे लूट के मुकदमे हैं और इसको गिरफ्तार करके और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, किस गैंग का सरगना है ये? देखिए, ये एक कड़ा गैंग बोलते हैं जो कि